बहुत पुरानी बात है, एक घने जंगल में बड़ा सा शेर रहता था। उससे जंगल के सभी जानवर थर थर कांपते थे। वह हर रोज जंगल के जानवरों का शिकार करता और अपना पेट भरता। एक दिन वह पूरा दिन जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसे एक भी शिकार नहीं मिला। भटकते भटकते वह शाम हो गई और भूख से उसकी हालत खराब हो चुकी थी। तभी उस शेर को एक गुफा दिखी। शेर ने सोचा, अरे इस गुफा के मालिक तो नहीं है, चलो इस गुफा के अंदर उस मालिक का इंतजार किया जाए, जैसे आएगा वैसे धर धर पूछूंगा। यह सोचकर शेर दौड़ के उस गुफा में जा बैठा और वह गुफा एक सियार की थी, जो दोपहर के समय बाहर गया था और वह लौट कर शाम को आया तो देखता है कि गुफा के अंदर किसी के जाने के पंजों के निशान बने हैं। फिर उसने ध्यान से देखा कि पंजों के निशान जाने के हैं, आने के नहीं। वह समझ गया कि गुफा के अंदर कुछ खतरा हो सकता है। उसने एक तरकीब निकाली और बोला, अरे गुफा गुफा, हो गुफा, क्या मेरा स्वागत नहीं करोगी? रोज तो करती हो, आज क्या हुआ? जब शेर ने बाहर से आवाज सुनी कि यह गुफा रोज बोलती है, तो उसने सोचा कि क्या हुआ जो आज ये गुफा बोल नहीं रही? लगता है इसको डर के मारे बोलती बंद हो गई है। चलो मैं ही बोल देता हूँ, आओ आओ, आपका स्वागत है। सियार बहुत होशियार था। उसने गुफा के अंदर से आवाज सुनी और वह समझ गया कि अंदर कोई खतरा है या शेर हो सकता है। वह दबे पांव वहां से भाग गया और शेर को उल्लू बनाया। बच्चों, हमें भी किसी भी परिस्थिति में अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। ऐसी ही मज़ेदार और चटपटी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।